हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, है ना। थोड़ा सा इसको देख लो प्रोग्राम को दोबारा कि जावा में प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। ये जो दो लाइंस हैं ये तो कमेंट्स हैं, ठीक है। जावा में कमेंट्स जैसे सी प्लस प्लस में होते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। या इससे शुरू कर लो कमेंट, या डबल स्लैश से शुरू कर लो, ठीक है। ओके, अगर डबल स्लैश से शुरू करते हैं कमेंट तो उसको एंड नहीं करना होता, लेकिन अगर स्लैश स्टार से कमेंट शुरू करते हैं तो स्टार स्लैश से उसको एंड करना होता है, ठीक है। अच्छा, जावा में अगर हमने मेन फंक्शन भी लिखना है ना, तो वो भी हमें क्लास में लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्लास बनाई। क्लास क्लास कैसे बनाते हैं? स्मॉल लेटर्स में पहले क्लास लिखते हैं, और फिर जो क्लास का नेम हमने देना है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये मैंडेटरी है जावा में, इसको ऐसे ही करना है। क्लास की कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई और क्लास की कर्ली ब्रैकेट खत्म हुई। सी प्लस प्लस की तरह यहाँ सेमी कॉलन नहीं आएगा। ओके, अब इसमें मेन फंक्शन पड़ा हुआ है। जावा में मेन फंक्शन लिखने के लिए ना आपको ये कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, मैं दोबारा से समझाती हूँ। पब्लिक हमने क्यों लिखा? क्योंकि मेन फंक्शन को हमने पब्लिक बनाना है। हम चाहते हैं कि मेन फंक्शन को आउटसाइड वर्ल्ड यूज़ करे, मेन फंक्शन को हम छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा, सारा काम ही हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। सो मेन फंक्शन हमेशा पब्लिक होना चाहिए। स्टैटिक अभी फिलहाल छोड़ दो, स्टैटिक का मैं आपको बताऊंगी। वॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि मेन फंक्शन देखो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मेन फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो रिटर्न टाइप वॉइड देते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक क्यों करते हैं, इसका जो रीज़न है ना वो समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताती हूँ। एक मैं मुझे और पिक दिखानी पड़ेगी आपको स्टैटिक कीवर्ड समझाने के लिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, मैं आपको समझा रही थी कि स्टैटिक कीवर्ड क्यों लगाना है मेन के पहले। उसका रीज़न ये होता है, नंबर वन, हमने जावा का प्रोग्राम नोटपैड में लिखना होता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाके नोटपैड की ऑप्शन आ जाएगी, नोटपैड खोलोगे, जावा का प्रोग्राम टाइप कर दोगे, और जब इस प्रोग्राम को सेव करोगे तो प्रोग्राम का नेम डॉट एक्सटेंशन देनी होती है, जावा। अब एक नई बात, प्रोग्राम का हम जैसे हम सी में या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को कोई भी नेम दे देते होते थे, जावा में ऐसे नहीं है। जावा में हम प्रोग्राम को कोई भी नेम नहीं दे सकते। जावा में हमें प्रोग्राम को वो नेम देना होता है जिस उस क्लास का नेम देना होता है जिस क्लास में मेन फंक्शन पड़ा है। आई रिपीट, जिस क्लास में हमारा मेन फंक्शन पड़ा है उस क्लास का जो नाम होता है ना वो ही हमारे प्रोग्राम का नाम होता है। जैसे बुक में हमने किया था, बुक में मैंने आपको कराया था, ये देखो ये बुक में हमने किया था जो प्रोग्राम, अभी इसका वो नहीं आ रहा। चलो ऐसे थोड़ा अंदाज़ा देख लो, ये क्लास कौन सी है? टेस्ट क्लास बनाई थी ना हमने बुक में, बुक में जो हमने बनाई थी दैट वाज टेस्ट क्लास। तो जब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे ना, तो हम इसको किस नाम से हम सेव करेंगे? इसको हम टेस्ट डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। यानी किसी प्रोग्राम को हमेशा उस नाम से सेव करते हैं जिस नाम से वो क्लास है जिसमें मेन फंक्शन पड़ा है। अब हो सकता है प्रोग्राम में 3-4 क्लासेज हों, ठीक है, पर आपने प्रोग्राम का नाम क्या रखना है? प्रोग्राम का नाम वो वाली क्लास का नाम रखना है जिसमें मेन फंक्शन पड़ा है। मेन फंक्शन तो एक ही होगा ना, और एक ही क्लास में पड़ा होगा, तो उस क्लास का नाम ही प्रोग्राम का नाम होगा, और एक्सटेंशन दे देंगे डॉट जावा। सो अगर मैंने सपोज करो यहाँ प्रोग्राम लिखा और मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास में मेन फंक्शन रखा, तो मैं इस प्रोग्राम का कैसे सेव करूंगी? मैं सेव करूंगी स्टूडेंट डॉट जावा, और स्टूडेंट कैसे कैपिटल होगा क्योंकि क्लास का नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है। तो मैं स्टूडेंट डॉट जावा से इस प्रोग्राम को सेव करूंगी। मैंने नोटपैड में प्रोग्राम सेव कर दिया। अब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। आप स्टार्ट ऑप्शन में जाओ, ठीक है, वहां पे लिखो, सर्च में लिखो कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपका सी सी प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसमें फोकस पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो सी प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है। सी प्रॉम्प्ट में हमने क्या लिखना है? मैंने आपको कल करवाया था ना प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं, जवैक कमांड से। तो हमने जे कैपिटल, सॉरी जे स्मॉल, जवैक, JAVAC, जवैक लिख के अपने प्रोग्राम का नाम लिख देना है। एस कैपिटल था स्टूडेंट का, स्टूडेंट डॉट जावा, जावा जे स्मॉल, स्टूडेंट डॉट जावा, जवैक स्टूडेंट डॉट जावा, एंटर कर देना। अगर तो प्रोग्राम में एरर्स होंगी तो कंपाइल के टाइम पे एरर्स आ जाएंगी, हम उसको रिज्यू हम एरर्स को यहाँ पे ठीक करेंगे, ठीक है। ठीक करके प्रोग्राम को दोबारा सेव कर देंगे स्टूडेंट और जावा के नाम पे, फिर यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। अगर और एरर्स होंगी फिर एरर्स आ जाएंगी, फिर हम अपने प्रोग्राम में एरर्स ठीक करेंगे, फिर से सेव करेंगे, फिर कंपाइल किया कोई एरर नहीं आई, यानी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया।
जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो जिस फाइल में हमने स्टूडेंट डॉट जावा सेव किया था ना, उस फाइल में स्टूडेंट डॉट क्लास नाम की बाइट कोड बन जाएगी। ठीक है, बाइट कोड क्या होती है आपको बताया था, बाइट कोड मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें मशीन समझ सकती है। बाइट कोड बन गई यानी प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हमने प्रोग्राम को करना एग्जीक्यूट। जावा में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा कमांड यूज़ करते हैं, कंपाइल करने के लिए जावा जवैक JAVAC और एग्जीक्यूट करने के लिए जावा, और सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। अब एक्सटेंशन नहीं देनी, रन करने वक्त एग्जीक्यूट करने वक्त एक्सटेंशन नहीं देते, जावा जावा स्टूडेंट, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, हम हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं मेन के साथ। अब देखो, स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट जो प्रोग्राम का नाम है, हमने प्रोग्राम का नाम स्टूडेंट क्यों रखा? हमने प्रोग्राम का नाम स्टूडेंट इसलिए रखा क्योंकि स्टूडेंट क्लास में मेन फंक्शन पढ़ा था, और आपको पता है एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। मैंने कहा कि मैंने स्टूडेंट क्लास को स्टूडेंट प्रोग्राम को सॉरी स्टूडेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो उसका क्या मतलब कि मैंने स्टूडेंट क्लास में जो मेन फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। मैंने स्टूडेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट क्लास में जो मेन फंक्शन है ना, मैंने उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। अब जो मेरा मेन फंक्शन है, अब अच्छा एक अब मेन फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है? मेंबर फंक्शन। क्यों मेंबर फंक्शन है? क्योंकि वो किसी क्लास के अंदर है। जैसे इसमें था, इसमें हमारा क्या था, इसमें टेस्ट क्लास के अंदर मेन फंक्शन था, तो जो आपको पता है ना क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन होता है उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जब मेन फंक्शन होगा उसको मेंबर फंक्शन कहेंगे। अब जावा में क्या है, या सी सी प्लस प्लस में भी, आप सी प्लस प्लस में भी, आपको याद है, आपको याद होगा, आप स्टूडेंट क्लास बनाते थे, ठीक है, फिर मेन फंक्शन में आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, S1 S2 बनाते थे ना। आपने क्लास में फंक्शंस यूज़ किए होते थे, गेट डेटा शो डेटा, फिर आप मेन में उन फंक्शंस को कॉल कैसे करते थे? आप करते थे S1 डॉट गेट डेटा, S1 डॉट शो डेटा, यानी मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट डॉट करके फिर मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे। अगर किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो उसको हम डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, हमें कैसे कॉल करना होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे मैंने S1 ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, तो मैं कैसे कॉल करूँगी? मैं लिखूँगी S1 डॉट और मेंबर फंक्शन का नेम। इसी तरह जो मेरा मेन प्रोग्राम है, जो मेन फंक्शन है, वो भी तो मेंबर फंक्शन है ना, क्लास के अंदर है, तो उसको कॉल करने के लिए भी तो मुझे इस क्लास का स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी कहाँ? ऑब्जेक्ट तो मेन के अंदर ही बनता है। अब देखो कम्प्लेक्सिटी होगी ना कि मेन को कॉल करना है, मेन को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, और मेन एक मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं होता, और ऑब्जेक्ट मेन के अंदर ही डिक्लेयर होता है, यानी मेन मेन को एग्जीक्यूट कराना है, और मेन को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन के अंदर की स्टेटमेंट चलनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब हाँ जब मैं किसी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना देती हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक बनाया किसी मेंबर फंक्शन को, तो उस मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई रिपीट, जब मैं किसी मेंबर, ये मेंबर फंक्शन ही है ना, मेंबर फंक्शन है ना, क्लास के अंदर है, जब मैं किसी मेंबर फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख देती हूँ ना, तो उस मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा नाम से ही कॉल हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको स्टैटिक बनाया है। वाई? बिकॉज हमने टेस्ट क्लास, या जो मैं स्टूडेंट बता रही थी, जो भी क्लास है, उस क्लास को हमने सी प्रॉम्प्ट में कॉल करना है, सी प्रॉम्प्ट में कॉल करवाना है, तो हम यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट मेन में बनता है और कॉल भी मेन को करना है। सो इसलिए मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाया, ताकि उसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए स्टैटिक कीवर्ड है। सो अब क्लियर हुआ पब्लिक क्यों है? पब्लिक इसलिए ताकि मेन फंक्शन सबको असेसिबल हो, स्टैटिक इसलिए ताकि मेन फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के ही हम कॉल कर सकें सी प्रॉम्प्ट में, वॉइड इसलिए क्योंकि मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, फिर आगे मेन, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग का ऐसे देखो कैपिटल है, इसका मतलब स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग जावा में ना बहुत सारी इनबिल्ड क्लासेस हैं, पहले से ही बड़ी सारी क्लासेस बनी हुई हैं जावा में, उसमें से स्ट्रिंग भी एक क्लास है, और कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, मैं आपको पिक भी भेजूंगी। ठीक है, मैंने अपनी बुक में लास्ट में ना प्रिंटआउट्स लगाए हुए हैं कि अपने समझने के लिए लगाए थे कि
कि कौन सी क्लास कौन से पैकेज के अंदर है। अब ये देखो, जावा में ना बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। पैकेज क्या होते हैं? फोल्डर्स। जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना देते हो, जावा में उस फोल्डर को पैकेज कहते हैं। जावा की हायरार्की इस तरह होती है कि एक मेन फोल्डर होता है जिसे हम जावा कहते हैं, मेन पैकेज जावा कहते हैं। मेन एक मेन फोल्डर है, ठीक है, उस जावा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे फोल्डर्स होंगे। एक लैंग नाम का होगा, एक यूटिल नाम का होगा, एक आईओ नाम का होगा, छोटे छोटे फोल्डर्स होंगे। उन फोल्डर्स को डबल क्लिक करेंगे तो उनके अंदर क्लासेस पड़ी होंगी, जैसे सिस्टम, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, थ्रेड, एक्सेप्शन। ये सारी क्लासेस इस पैकेज में है, जावा के लैंग पैकेज में। स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में है। ये सारी क्लासेस जावा के आईओ पैकेज में है, ठीक है। सो इस तरह जावा की हायरार्की होती है। मेन फोल्डर होता है जावा, मेन पैकेज जावा होता है। पैकेजेस भी शायद आपके सिलेबस में है, वो चैप्टर भी हमने करना है। मेन पैकेज जावा है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पैकेजेस हैं, उनके उनको डबल क्लिक करते हैं, उनके अंदर क्लासेस पड़ी होती हैं। इस तरह जावा की हायरार्की होती है। तो सिस्टम भी एक क्लास है, ठीक है। और फिर हमने, अच्छा एक और बात, जितनी भी ये क्लासेस हैं ना सारी, ये वाली क्लासेस जो लैंग पैकेज में है, वो क्लासेस अपने आप ही जावा के प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाती हैं। आपको एक प्रोग्राम, अभी ये लाइन शायद आपको इतनी क्लियर नहीं होगी, अगर थोड़ा सा मैं इसको समझाती हूँ। सपोज करो मैंने स्कैनर क्लास यूज़ करनी है, ये लैंग पैकेज में नहीं है, ये किसी और पैकेज में है, कोई भी और पैकेज लैंग के अलावा, मैंने उसकी क्लास यूज़ करनी है। मैं मुझे स्कैनर क्लास यूज़ करने के लिए ना जावा डॉट यूटिल पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग इंपोर्ट कमांड। एक इंपोर्ट कमांड होती है, वो मैं करवाऊंगी जब मैं आपको स्कैनर क्लास कराऊंगी। हमें जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन जो जावा डॉट लैंग पैकेज की कोई भी क्लास हम बिना जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जावा डॉट लैंग एक ऐसा पैकेज है जो अपने आप ही प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है, अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसको हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। सो ये जितनी क्लासेज है ना, सिस्टम, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, थ्रेड, एक्सेप्शन, अगर हमने इनको यूज़ करना है ना, तो हम सीधे ही प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हमें जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट करने की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावा डॉट लैंग ऐसा पैकेज है जो अपने आप ही इम्पोर्ट हो जाता है प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसलिए हम सिस्टम क्लास को, स्ट्रिंग क्लास को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अगली लाइन में मैं बताऊँगी हम सिस्टम क्लास को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम सिस्टम क्लास को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जावा डॉट लैंग पैकेज को इम्पोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपको स्ट्रिंग क्लास होगी क्लियर, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास यूज़ की, लेकिन हमने जावा डॉट लैंग पैकेज को इम्पोर्ट नहीं किया, क्योंकि अपने आप ही बाई डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ हमने ए आर जी एस इस तरह कीवर्ड लिखना होता है और स्क्वेयर ब्रैकेट्स खाली लगानी होती हैं। अब ये क्या है ए आर जी एस? एक्चुअली देखो, ए आर जी एस के आगे खाली स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स ए आर जी एस एक एरे है, एक एरे का नाम है ए आर जी एस, ठीक है। अब इस एरे में क्या होता है, शायद आपने ना पिछली क्लासेस में पढ़ा हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, शायद आपको करवाया हो। नहीं भी करवाया तो कोई नहीं, जावा में एक आधा ही प्रोग्राम हम पढ़ेंगे जिसमें हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं? अब ये देखो, मैंने आपको ये बताया था कि हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जावा लिख के क्लास का प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने साथ में कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पर ना स्टूडेंट लिखा स्पेस डाल के ना कुछ वैल्यूज़ दे सकती हूँ, जैसे 10, 15, 20 या कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे सकती हूँ, ए बी सी एक्स वाई जेड हेलो, कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे सकती हूँ। ये जो वैल्यूज़ है ना, इन्हें कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये वो वैल्यूज़ हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के टाइम पे मैं मेन फंक्शन को सेंड कर सकती हूँ। जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दी स्पेस डाल के, अगर मैंने तीन वैल्यूज़ दी, तो वो तीन वैल्यूज़ जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो मेरे मेन फंक्शन में आ जाएंगी, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में आ जाएंगी। ए आर जी एस 0 में पहली वैल्यू आ जाएगी, ए आर जी एस 1 में दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ए आर जी एस 2 में तीसरी वैल्यू आ जाएगी। इन्हें कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स हैं या वो वैल्यूज़ हैं जो हम मेन फंक्शन को भेजते हैं। कब भेजते हैं? प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते टाइम, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम। तो वो वैल्यूज़ जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ आ जाती हैं, ए आर जी एस में आ जाती हैं। फिर इन वैल्यूज़ को हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर लो, प्रिंट करवा लो,
जो मर्जी यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन जावा में ना एक आधे प्रोग्राम है जिसमें हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज हर प्रोग्राम में आपको ये लिखना ही लिखना है, हम यूज़ नहीं करेंगे। देखो हमने कहीं ARGS यूज़ नहीं किया अंदर, ठीक है। अच्छा चलो, ये हमारा अब मेन फंक्शन का ये हेडर है जिसको समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया। अब आगे से नहीं, आगे नहीं मैंने समझाना, आगे हम सी ये लाइन पूरी लिखा करेंगे ऐसे ही मेन में। अब ये मेन की बॉडी है, मेन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, अब इसको समझने की टर्न है। मेन की बॉडी में क्या स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। जैसे सी में होती थी प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में होती थी सी आउट, ऐसे जावा में प्रिंट लाइन फंक्शन है। प्रिंट लाइन एक फंक्शन है स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाने के लिए, PRINTLN सब कुछ स्मॉल लेटर्स में। अब मैंने आपको बताया है कि जावा में ना कोई भी चीज़ है, हर चीज़ कोई ना कोई क्लास में पड़ी हुई है। जावा में क्लास के बिना कोई काम नहीं होता, जावा में जितनी चीज़ें हैं वो सब क्लास में पड़ी हुई हैं। ये प्रिंट लाइन क्या है, प्रिंट लाइन एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, ये भी किसी क्लास में होगा। और मैंने आपको बताया था कि मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे सी प्लस प्लस में आप क्या करते थे, आपने स्टूडेंट क्लास में एक मेंबर फंक्शन है गेट डेटा, आपने इसको कॉल करना है, तो आप क्या करोगे, पहले स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे S1 मेन फंक्शन में, फिर S1 डॉट गेट डेटा लिखोगे। ऐसे ही आउट जो ऑब्जेक्ट, आउट जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। दोबारा समझो, एक सिस्टम नाम की क्लास है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी ना java.lang में पड़ी होती है सिस्टम क्लास, सिस्टम का एस कैपिटल है, ये क्लास है, इनबिल्ट क्लास है जो java.lang पैकेज में पड़ी है। जो सिस्टम क्लास है ना इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया आउट, ठीक है, फिर आउट डॉट लगा के हमने प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूर बनाना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आपने प्रिंट एफ जैसी स्टेटमेंट जावा में लिखनी है ना, तो ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। सिस्टम इज़ अ क्लास, आउट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, एंड प्रिंट लाइन प्रिंट एल एन इज़ द मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। ये स्टेटमेंट एस कैपिटल, ये स्टेटमेंट लिख के फिर राउंड ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में जो स्टेटमेंट लिखोगे वो एज सच स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और सेमी कॉलन। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, सिर्फ वेलकम टू न्यू वर्ल्ड ऑफ जावा इस मैसेज को प्रिंट कर रहा है। ये हमने प्रोग्राम नोटपैड में टाइप करना है, टाइप करके हमने टेस्ट डॉट जावा नाम पे प्रोग्राम को सेव करना है। मैंने आपको बताया था टेस्ट डॉट जावा नाम क्यों रखना है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम हमेशा वो नाम रखना है, उस क्लास का नाम रखना है जिस क्लास में मेन फंक्शन पड़ा है। अगर इसके प्रोग्राम में और भी क्लासेस होती बहुत सारी, तो हमने नाम टेस्ट ही रखना है हमेशा। क्यों, क्योंकि टेस्ट में ही मेन फंक्शन पड़ा है, जिस क्लास में मेन फंक्शन पड़ा है उसी नाम का ही प्रोग्राम होता है, ठीक है। टेस्ट और जावा से सेव कर लिया इस प्रोग्राम को, फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पहले इसको जावा से कंपाइल करेंगे, फिर जावा से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएगा वेलकम टू न्यू वर्ल्ड ऑफ जावा, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी उसकी भी कि मैं कैसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ। सो ये होता है जावा का प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको जावा का प्रोग्राम समझाया था, ठीक है, इसको अच्छे से करो, और मैंने असाइनमेंट भी दी थी। असाइनमेंट का जो करेक्ट सोल्यूशन है वो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। बाकी कईयों के प्रोग्राम्स ठीक थे, कईयों के ठीक नहीं थे, वो कोई बात नहीं, अभी तो हमने स्टार्टिंग की है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी जावा का, ठीक है, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए। सो ये पेज हो गया था, उसके बाद इस पेज में कुछ भी नहीं है करना। इस पेज में मैंने समझा दिया था कि मेन प्रोग्राम को पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों कहते हैं, ठीक है। देन जावा के फीचर्स हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, मैंने आपको बताया था ना कि जावा का प्रोग्राम आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, पोर्टेबल है, न्यूट्रल इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इसमें बाइट कोड बनती है, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, टोटली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। देन ये सारे जावा के फीचर्स हैं, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको PDF फाइल बना दी है। उसके बाद ये पेजेस में कुछ भी नहीं है, इनमें भी कुछ भी नहीं है, लिमिटेशंस ऑफ जावा, ठीक है, स्टडी कर लेना। उसके बाद ना ये 10 ईयर में कुछ क्वेश्चन आए थे कि जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, या फिर जावा में क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग क्या होती है, या फिर जावा को हम प्रोग्राम पोर्टेबल क्यों कहते हैं, या आर्किटेक्चरल न्यूट्रल क्यों है। ये सारे एक ही वर्ड्स हैं, सबका रीज़न यही है कि हम इसमें बाइट कोड बनाते हैं, और बाइट कोड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज बाइट कोड JVM ने एग्जीक्यूट करना है, और JVM हर मशीन का अलग अलग होता है। सो अगर मैंने एक प्रोग्राम विंडोज़ में बनाया जावा का, उस प्रोग्राम का बाइट कोड मैं आराम से एप्पल
के सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि एप्पल के सिस्टम पे एप्पल का JVM होगा और विंडोज़ के सिस्टम पे विंडोज़ का JVM होगा, तो विंडोज़ का जो बाइट कोड बना है वो एप्पल के सिस्टम पे आराम से चल जाएगा, क्योंकि उसमें एप्पल का JVM होगा, वो अपने आप ही बाइट कोड को समझ लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाइट कोड जो है, बाइट कोड यहाँ पे बनता है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती सी और C++ की तरह, बाइट कोड बनता है, जिसके कारण जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग है जावा में, सब एक ही चीज़ के वर्ड्स हैं अलग अलग। ठीक है, सो ये पेजेस की भी मैंने पिक्स भेजी हैं, सबका ये रीज आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद ना एक 10 ईयर में ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार, व्हाट आर द 10 फीचर्स एवरी वेबसाइट शुड हैव, सो ये उसके पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना, ये 10 ईयर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, इसकी मैं दूसरी वीडियो भेजती हूँ।